नमस्ते। आज अपनी 21वीं स्पोकन की क्लास है, तो 21 क्लास के जो वीडियोस हैं वो अपलोड आज हो जाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो वाकई घर बैठे स्पोकन सीखना चाहते हैं वो मेरे फर्स्ट वीडियो से देखें, पूरे वीडियो को देखें, अच्छी तरह से देखें, उनको नोट करें और उनके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप शानदार स्पोकन सीख पाएंगे। मैं ये छोटे छोटे रूट सेंटेंस आपके सामने लेके आ रहा हूं। आज का मेरा जो रूट सेंटेंस है वो है होने वाला था। अब समझिए, होने वाला था या होने वाली थी या होने वाले थे, इन सब के साथ में आपको एक ही चीज रूट सेंटेंस वाज या वर टू बी, बस इतना सा। अब इन सब के साथ सिंगुलर है तो आप लगाएंगे वाज टू बी, इतना ही आपको याद रखना है। अब आप समझिए, यहां से मैंने जो पहले आपको प्रैक्टिस बताई थी टाइम, द मीनिंग ऑफ टाइम समय, अब मैं कहूं समय होने वाला था, समय होने वाला था, टाइम वाज टू बी, सवेरा होने वाला था, डाउन वाज टू बी, बारिश होने वाली थी, रेन वाज टू बी, शाम होने वाली थी, इवनिंग वाज टू बी, आधी रात होने वाली थी, मिड नाइट वाज टू बी। तो अब आप अच्छी तरह से दिमाग में ये बिठा लेंगे, होने वाला था, ये जो सेंटेंस है वो इस प्रकार से आते हैं कि अबाउट टू, अबाउट टू मतलब बारिश होने वाली थी, तो रेन वाज अबाउट टू बी, कार्यक्रम होने वाला था तो फंक्शन वाज टू बी। अब बीच में रिटर्न के अंदर अबाउट लगाया जाता है, लेकिन स्पोकन के अंदर उसको अबाउट को बोला नहीं जाता है, सीधा सा संध्या होने वाली थी, इवनिंग वाज टू बी, शादी होने वाली थी, मैरिज वाज टू बी, लड़ाई होने वाली थी, क्वारल वाज टू बी, झगड़ा होने वाला था, रिटर्न टेस्ट, लिखित परीक्षा होने वाली थी, तो रिटर्न टेस्ट वाज टू बी। इनके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी वाक्य बना सकते हैं यहां पर लिखें, पहला सत्र होने वाला था तो फर्स्ट सेशन वाज टू बी, आपकी सैलरी होने वाली थी, योर सैलरी वाज टू बी, कीमतें होने वाली थी, अब कीमतें बहुवचन है भाई, कीमतें ऊंची होने वाली थी, तो यहां पे प्राइसेस वर टू बी हाई, कीमतें ऊंची होने वाली थी, तो जब बहुवचन होगा तो अपन घर का प्रयोग करेंगे और एक वचन होगा तो आज का प्रयोग करेंगे, ये अच्छी तरह से दिमाग में, तो यहां पर तो ये होने वाला, होने वाला फिक्स, प्रैक्टिस करेंगे कुछ भी। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें आई एन जी लगा कर भी, जैसे सफाई होने वाली थी, क्लीनिंग वाज टू बी, धुलाई होने वाली थी, वॉशिंग वाज टू बी, अब यहाँ है फर्स्ट क्लीनिंग वाज टू बी, पहली बार होने वाली थी, जांच होने वाली थी, चेकिंग वाज टू बी, तो इस प्रकार से होने वाला सिस्टम में आप वाज वर्ड टू बी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट में मैंने लिया है वाला, वाली, वाले थे, ये वाला वाली, जैसे मैं वाला था, तुम वाले थे, पापा वाले थे, ये वाले थे सब, ये टेंस के अंदर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बार पास्ट की चीजों को बताने के लिए अपन इनका प्रयोग करते हैं। तो आज का अपना सिस्टम है कि वाला था, वाली थी, वाले थे, तब इसमें ये चीज समझिएगा, आई ही सी राम फादर, इनको पास्ट टेंस के अंदर सिंगुलर माना गया, सिंगुलर के साथ आप प्रयोग करेंगे वाज का, और यू वी दे बॉय, इन सबको प्लूरल बहुवचन के साथ घर का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद टू, और टू के बाद यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बहुत इजी है, आप करके देखिएगा। वाक्य है मैं आने वाला था, मैं आई वाज टू कम, राम आने वाला था, राम वाज टू कम, पिताजी आने वाले थे, फादर वाज टू कम, ऐसे कैसे तुम जाने वाले थे, यू वर टू गो, वे खोलने वाले थे, दे वर टू ओपन, किसान बंद करने वाले थे, फार्मर्स वर टू क्लोज, क्लोज यहां पे मम्मी पहुंचने वाली थी, मम्मा वाज टू रीच, मेहमान आने वाले थे, गेस्ट वर टू अराइव, हम देने वाले थे, वी वर टू गिव, आप लेने वाले थे, यू वर टू टेक, दादाजी खरीदने वाले थे, तो ग्रैंडपा वाज टू बाय, मेरा पड़ोसी बेचने वाला था, माय नेबर वाज टू सेल, सभी विद्यार्थी पूछने वाले थे, ऑल स्टूडेंट वर टू आस, सारी लड़कियां बताने वाली थी, ऑल गर्ल्स वर टू टेल, ऐसे जैसे
सिंपल सी बात भी लिख सकते हैं, जैसे भारत जीतने वाला था, भारत इंडिया वाज टू विन, क्लियर, हम जीतने वाले थे, वी वर टू विन, पूरी क्लास पास होने वाली थी, होल क्लास वाज टू पास, हम सब परीक्षा देने वाले थे, तो परीक्षा देने के लिए वो क्यों नहीं आएगा अपीयर, तो होल क्लास वाज टू अपीयर इन ईयरली एग्जाम। तो इनके ऊपर आज के टॉपिक में अपन ने होने वाला है, दूसरा है वाला है, जब कभी भी होने वाला है तो वाज वर टू बी का प्रयोग करेंगे, और जब खाली वाला है तो वाज वर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिएगा, देखते रहिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।